एकलव्य विद्यालय की छात्रा की मृत्यु का मामला, दोनों छात्रावास अधीक्षकों को प्रभार से हटाया गया। सुप्रीम पावर न्यूज की खबर पर जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। कलेक्टर डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्रा के प्रति लोगों का बड़ा विश्वास। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की कक्षा सातवीं की छात्रा ग्राम जैतपुरी की निवासी कुमारी प्रीत मरकाम की 18 जुलाई 2022 को उसके घर पर मृत्यु होने एवं इस संबंध में विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा लगाए गए आरोपों को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है, जिसकी खबर सुप्रीम पावर न्यूज द्वारा प्रमुखता के साथ प्रसारित की गई थी। वहीं कलेक्टर डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्रा के निर्देशन पर एकलव्य विद्यालय उकवा के दोनों छात्रावास अधीक्षकों को हटा दिया गया है और उनके स्थान पर अन्य शिक्षकों को छात्रावास अधीक्षक का प्रभार सौंपा गया। इसके साथ ही एकलव्य विद्यालय उकवा में व्याप्त समस्याओं की जांच के लिए 3 सदस्यों की समिति बनाकर उसे शीघ्र प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। जहां छात्रावास संचालन के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षा केशोराय पिसेने एवं प्राथमिक शिक्षक श्रीमती लक्ष्मी गिर पुंजे को छात्रावास अधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। वहीं एकलव्य विद्यालय उकवा में घटित इस घटना एवं वहां पर व्याप्त समस्याओं की जांच के लिए 3 सदस्यों की समिति गठित की गई है। जहां इस समिति में बिरसा के प्रभारी विकासखंड अधिकारी HC महोबे, मंडल संयोजक श्रीमती स्मिता भावसार एवं श्री बिशन सिंह बिलखरे को शामिल किया गया है और उन्हें शीघ्र जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा गया है। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए बालाघाट उकवा से अशोक राउत की रिपोर्ट। व्यवहार होता रहा है, वो व्यवहार को भी बच्चों के द्वारा सुन करके हम स्वयं आश्चर्यचकित हुए कि उनके साथ एक्सटॉर्शन जैसी भी घटनाएं यहाँ पर होती रही हैं। निश्चित रूप से इन सब चीज़ों की बारीक सूक्ष्म जाँच होनी चाहिए और जो कोई भी अपराधी है, दोषी है, उसके विरुद्ध सिविल सेवा आचरण अधिनियम के तहत जो भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है वो होनी चाहिए। आपके द्वारा आज जो एकलव्य आदर्श विद्यालय उकवा का निरीक्षण कर जांच की गई, जो कल बच्चों के द्वारा आंदोलन किया गया था, इसमें आपने क्या क्या कमी पाए? जांच प्रक्रिया जारी है, चल रही है, अभी स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं जी। अभी छात्रों से लिए, अधीक्षक से लिए और भी स्टेटमेंट अभी लेना बाकी है, तो ये जांच प्रक्रिया जैसे ही कंप्लीट होती है तो फिर हम रिपोर्ट बनाकर प्रतिवेदन बनाकर वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्तुत कर देंगे। क्या लिखते सर आप? मिशन बिलखरे, मंडल से। आप सर? आप मैडम? थैंक यू। कल यहाँ पर आंदोलन किया गया छात्र छात्राओं के द्वारा आदर्शीय आवासीय विद्यालय उकवा में, तो जिसकी शिकायत हुई है, जिसमें समाचार भी प्रकाशित हुआ है, आज दूसरे दिन आपके द्वारा, आप जनप्रतिनिधि है, आपके द्वारा यहाँ आकर निरीक्षण किया गया, क्या क्या कमी आपके द्वारा पाई गई? हम ये जो हॉस्टल परिसर है, इस परिसर में हम पूरा निरीक्षण किए, तो यहाँ पे जो अव्यवस्थाओं की बहुत ज़्यादा शिकायतें बच्चों द्वारा की, जिसमें पानी की व्यवस्था, यहाँ पे वाटर कूलर नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पानी सब गीज़र बंद है। हमने पूरा निरीक्षण में ये देखा कि अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ, ऐसी वस्तु स्थितियों में हम चाहते हैं, शासन प्रशासन का तो हम ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं, हम जनप्रतिनिधि इतने सारे लोग हैं, दो जिला पंचायत सदस्य हैं हमारे पास में, 3 जिला पंचायत सदस्य आई हैं, पूर्व जनपद अध्यक्ष हैं, हमारी राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं हिरासन मैडम, और पूर्व विधायक भी हमारे पास में यहाँ पे आए। तो ये जो वस्तु स्थितियाँ जो इस हॉस्टल के अंदर जो एक कैजुअल्टी हुई है, एक बच्ची की मृत्यु हो गई, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि यहाँ पे जो है अव्यवस्थाएं होने के कारण ये बच्ची की हत्या, मृत्यु हुई है। उसका कारण ये है कि उसको स्वास्थ्य सेवाएं समय पे अगर मिल जाती तो उस बच्चे की जान बच सकती है। या और हमने ये देखा है कि बहुत सारे जैसे खाने की व्यवस्थाएँ हैं, यहाँ पर समूह के द्वारा खाना बनवाया जाता है मेस में, वहाँ पे जो शिकायतें आई हैं उसमें 10% जो है यहाँ के हॉस्टल अधीक्षक जो लेते हैं उनसे, प्रचार भी वहाँ पे इन्वॉल्व है, कोई मेशराम है, सोलंकी है, इन लोगों का नाम सामने आया है, बच्चों ने ये शिकायत किया। दूसरी तीसरी चीज़ ये है कि पानी जो है, टंकियों का हमने निरीक्षण करे, पूरी टंकियों में कीड़े पाए गए, कई दिनों से टंकियाँ साफ नहीं, ऐसी अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन के उस पर केंद्रित काम करे और वो ट्राइबल AC से, हम स्पेशली कह रहे हैं कि एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं और कलेक्टर इसके अध्यक्ष हैं एकलव्य हॉस्टल के, तो हम चाहते हैं कि कलेक्टर महोदय इसका पूर्ण रूप से निरीक्षण करके जो कमेटी बनाई है
निष्पक्ष होकर जांच करे और जो अपराधी जो इस कार्य को इन लोगों ने अंजाम दिया है उन पे कार्रवाई निष्पक्ष होकर हो और उनको बर्खास्त किया जाए यहाँ से। सर, आपके द्वारा यहाँ आदर्श आवासीय विद्यालय उपवा में निरीक्षण आज जो किया गया, बच्चों के द्वारा कल आंदोलन किया गया था कुछ अनियमितताओं को लेकर शिक्षक शिक्षिकाओं के, आपने आज निरीक्षण करने के दौरान क्या पाया? हमको जैसे ही पता चला, हम भोपाल से भागते हुए सीधे इस आवासीय परिसर में आए और सबसे पहले पीने के पानी की व्यवस्था देखें, उसमें कई दिनों से साफ नहीं हुआ, मृत कीड़े जिंदे कीड़े यहाँ ग्रेजर यूजर नहीं है, उसके बाद आपके पानी पीने की व्यवस्था पूरे ख़राब है, इसलिए बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से शासन को, शासन निष्पक्ष होकर जांच करे, अगर जो भी अपराधी कर्मचारी निकलते हैं उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए, यही हम मांग करते हैं। सर, और हमारे को यहाँ से यानी कि हमको मेस में खाना बनाने का ऑर्डर दिया गया है, तो हमको सिर्फ इतना ही साफ सफाई करने को दिया गया था, तो हमने हमको बोले कि पूरा हॉस्टल की सफाई करना है, तुमको लेटरिन बाथरूम की साफ करना है, सब ऐसा करके हमको बताया गया। वालों खाना बनाने को लेटरिन बाथरूम से लेकर छात्रों की सफाई करना टोटल, हाँ पूरे उसका पैसा अलग देते हैं लोग? नहीं नहीं सर, उसके पैसा उतने बोले कि जो बढ़कर राशि आएगी उसी में ही यानी कि एडजस्ट करना है। सर, कमीशन भी देना है? और कमीशन भी देना है, कमीशन पहले और देते हैं। टॉर्चर बहुत करते हैं सर, मेरे काम सब जब जब आएंगे सुबह शाम जब भी आएंगे, ऐसा नहीं हुआ वैसे मुझे सर, कितनी सफाई आपने सामने देखी है, आज कितनी सब्जी कट रही वो भी देख रहे हो आप।